हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू की जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ की पत्तियाँ हैं जो कि तोड़ी जा रही हैं। हम लोग सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग सब घर पे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है हमारे पास। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना लॉकडाउन जब है ही तो इसका उपयोग उठाया जाए और मेहंदी लगाया जाए हाथों पे। कोन्स मिलना क्योंकि लॉकडाउन है पॉसिबल नहीं है, तो सोचा कि मेहंदी की पत्तियों को पीस के क्यों ना मेहंदी लगाया जाए। आप कितना भी कोन से मेहंदी लगा लो, लेकिन वो जो फीलिंग्स होता है ना, वो जो स्मेल होता है, वो मेहंदी की पत्तियों वाला स्मेल कोन्स में अवेलेबल नहीं होता है। तो ये जो वीडियो है ये इसी के बारे में है कि मेहंदी की पत्तियों को किस तरह से पीस के और उसे अपने हाथों पे हम लोग रचाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मम्मी ने मेहंदी की पत्तियों को अच्छी तरह से देख के इसे रख लिया है तोड़ने के बाद, और अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है वो होता है इसे पीसने का। आप इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो, हम लोगों ने यहाँ मिक्सी का उपयोग किया है। जी हाँ, आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हो एज़ वेल एज़ सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो। दोनों का रिज़ल्ट सेम ही, लगभग सेम आता है, बट इन आर केस हम लोगों ने देखा है कि मिक्सी का जो रिज़ल्ट है वो सिलबट्टे से ज़्यादा बढ़िया आता है और बहुत अच्छे से पिसता है मेहंदी। तो बस हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और अब ये चला गया पिसने के लिए। ये जब पिसता है ना, इसके इस टाइम पे भी जो स्मेल आता है वो भी बहुत ही बहुत अच्छा लगता है स्मेल करने में। और जब ये हाथों पे रचता है तब तो ये बहुत दिनों तक इसका स्मेल रहता है हाथों में। तो बस एक बार जब हम लोगों ने पीस लिया तो इसके बाद इसका जो मेहंदी का टेक्सचर है वो इस तरह का आ गया। उसके बाद जो बाद बाकी हमारे पास जो पत्तियाँ थी वो भी हम इसमें डाल लेंगे और डाल के हम इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद देखिएगा, इसका जो टेक्सचर आएगा और इसका जो कंसिस्टेंसी आएगा वो बिल्कुल इस तरह का आएगा जिसे आप अपने हाथों पर लगा सकते हैं। ये देखिए, हमारा जो मेहंदी है ये पिस के बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसे लगाने के लिए रेडी है। ये देखिए, इसका जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा इसमें पानी होना चाहिए और ना ही ये ज़्यादा सूखा होना चाहिए, जिससे ये आराम से लग जाए। तो कुछ लोग तो इसे अपने सिर पे भी लगाते हैं एंड वो कलर वगैरह ना करके, अगर आप नेचुरल मेहंदी की पत्तियों को पीस के कलर लगाएं ना, सिर पे लगाएं, अपने हेयर्स पे लगाएं, तो ये बहुत अच्छा एक नेचुरल कलर्स भी देता है। और ये रहा, देखिए कुछ पिक्चर्स मैंने क्लिक किए थे या कुछ पिक्चर्स मैंने लिए थे वो पीसने के बाद, इसे कटोरी में रखने के बाद, एक सीन्स लाइक अ चटनी ना, कि थोड़ा सा नींबू थोड़ा सा लहसुन डाला जाए और बस इसे खा लिया जाए। बट दिस इज़ नॉट अ चटनी, दिस इज़ द मेहंदी का पिसा हुआ पत्ता। अब बारी आती है लगाने की। ये देखिए, मम्मी के हाथों पे मेहंदी लगाना स्टार्ट हो गया है और ये काम जो है वो मेरी दीदी कर रही हैं। मेहंदी दीदी मम्मी के हाथों पे लगाना स्टार्ट कर दी हैं। आप लोग भी एक बार लगा के देखिए, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है एंड बहुत सुंदर रचता है हाथों पे। आई नो कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसे हाथों से लगाना पड़ता है, लेकिन ये इतना स्मूथ पिसता है कि अगर आप घर पे कोन्स बना के लगाते हैं तो भी आप इसे आराम से लगा सकते हैं। और ये देखिए, देखते ही देखते मम्मी का मेहंदी रेडी हो गया है लगने के बाद। आप लोग भी इसे लगाइए और देखिए, इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ विनीता वर्मा। और ये जो मेहंदी है इसका रिज़ल्ट आप देखिए, हम लोग दिखाते हैं मेहंदी का जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल इस तरह का रिज़ल्ट। जी हाँ, जो रिज़ल्ट है वो इस तरह का है।